नमस्कार। अरे नमस्कार। अजी प्रणाम प्रणाम। अरे अरे देखो ये सब भी आ गए। अरे हाँ, चलो अब आ ही गए हैं तो अपने बारे में बता ही देते हैं। हम ही शुरुआत करते हैं। मैं करप्शन हूं, यानी कि भ्रष्टाचार। देश को खोखला बनाने में हमारा बहुत बड़का हाथ है। जलवा है हमारा इस देश में। दूध वाले के दूध में पानी मिलाने से लेकर नेताओं के बड़े बड़े घोटाले तक, सब में हम ही सर्वशक्तिमान हैं। काफी फैला हुआ बिजनेस है अपना। काला बाजारी, चिकित्सा जैसे क्षेत्र में जानबूझकर गलत ऑपरेशन करके पैसे ऐंठना, किसी भी सामान को दो गुना तीन गुना बेचना, घूस लेना, टैक्स चोरी, इन सब में हमारा ही हाथ है। आपको क्या लगता है, वो मिनिस्टर साहब पिछले महीने फॉर्च्यूनर लिए थे, वो कैसे लिए? अच्छा चलो, मैं आपको कुछ अपने जलवे दिखाता हूं। हेलो। हाँ प्रणाम सर, प्रणाम सर जी। सब बढ़िया है, आपकी कृपा है सर। हाँ, वो ढोलकपुर वाला पुल सर ना। अच्छा, उसके लिए बजट आया सर 30 करोड़ का। तब तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 30 करोड़ का बजट। हाँ, उसको करवाते हैं, एग्जीक्यूटिव साहब को बोलेंगे। हाँ, एग्जीक्यूटिव साहब से भी बात करेंगे सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर, आप टेंशन नहीं लीजिए। हाँ ठीक है, प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम। एग्जीक्यूटिव साहब को फोन लगाते हैं। हेलो, प्रणाम सर। हाँ, कैसे हैं इंजीनियर साहिबा? ठीक है सर, सब आप ही की कृपा है। और बताइए कैसे याद किए? वो जो ढोलकपुर वाला पुल था ना? अच्छा जी सर। हाँ, उसके लिए 20 करोड़ का बजट आया है। अच्छा सर, हाँ तो उसको देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत हाँ कीजिए। हाँ ठीक है सर। ठीक ठीक धन्यवाद। ठीक ठीक हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम। हाँ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अच्छा सुनो, वो जो पास वाला पुराना ब्रिज है ना। हाँ मैडम, वो ढोलकपुर वाला ना। हाँ, वही ब्रिज। तो उसके लिए 15 करोड़ का बजट आया है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हें अलॉट कर दूँ। तो एक काम करो, अपनी एक अच्छी सी टीम बना लो और डिजाइन और प्लान रेडी कर लो। ठीक है? हाँ थैंक यू मैडम, वो काम देने के लिए थैंक यू सो मच हाँ मैडम। ठीक है ठीक है ठीक है। खबर आ रही है ढोलकपुर राज्य से, पुल गिरने के कारण 3 लोगों की मौत और 4 घायल बताए जा रहे हैं। सरकार ने किया ये बयान जारी। देखिए, ढोलकपुर वाले पुल का गिरना एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। हम इस पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये पुल जिस किसी भी कंपनी ने बनाया है, सरकार उसकी जाँच करेगी, इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। हम और हमारी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ हैं। सरकार इस पुल हादसे में मारे गए मृतकों के परिवार को 5 लाख तथा घायलों को 50,000 रुपए की राशि मुहैया करवाएगी। आज के मुद्दे में हम एक्सपर्ट से बात करेंगे कि क्या सरकार संतावना और छोटी धनराशि देके जनता को गुमराह कर रही है। बात करेंगे मगर छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहें। क्या बात क्या बात क्या बात। अरे दोस्तों सुनो, अब मेरी बारी। दर्शकों को मैं अब अपने बारे में बताती हूँ। मैं हूँ बेरोजगारी, आजकल की प्रमुख समस्याओं में से एक हूँ। आजकल के नेता मेरे ही बारे में तो बात करते हैं। आजकल के युवा अच्छी से अच्छी शिक्षा की ओर अग्रसर हैं, पर मैं तो मैं ही हूँ। बड़ी बड़ी डिग्री होने के बावजूद भी ये सब मेरी चपेट में है। तुम सब तो देश को चुपचाप खोखला करते हो, पर मैं देश में दंगा फसाद नशा सब फैलाती हूँ, जिसके कारण लोग मानसिक तनाव में आकर अपनी ही जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। बेरोजगार 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 है आजकल, तो यही ना रोजगार है। मन लगाकर पढ़ रहे हैं सब, मन लगाकर पढ़ रहे हैं सब। डिग्रियों की सघाभार है, ना नौकरी मिले ना चाकरी, अब तो बेरोजगारी ही भरमार है। और बेटा तू अच्छे से खा तो रहा है ना? अरे मैं खा रहा हूँ यार, कितना खाऊं, खा खा के किसी मार ही डालो मेरे को।
कोई बात नहीं, जब तू घर आएगा ना तब मैं तुझे अच्छे से खिलाऊंगी। हाँ ठीक है ठीक है, अभी अभी मैं सोच रहा हूँ, ठीक है मैं परसों आऊंगा। ठीक है बेटा, तो अपना ख्याल रखना। परसों घर जाना है, सब पूछेंगे बेटा जॉब कैसा चल रहा है, बेटा सैलरी कैसी है, इनको कैसे बताऊं कि मुझे 6 महीने पहले ही निकाल दिया गया है जॉब से। पापा ने इतनी मेहनत करके वो मिनिस्टर से जॉब दिलवाई थी, उससे भी निकाल दिया, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने परिवार वालों को। एक तो ऐसे ही सब निकम्मा निकम्मा कहते थे, और पापा को बेरोजगार बेटे के समाज के ताने भी सुनने पड़ेंगे। पापा आप कहते थे ना कि तू अपने भैया जैसा बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं हूं मैं अपने भैया जैसा पापा, क्यों मैं उनकी तरह नहीं हूं, वाई एम सच अ लूजर, ऐसे जिंदगी जी के भी मैं क्या करूं। मम्मी पापा हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। यार मतलब गजब हो यार तुम तो। बेरोजगार लोग इस टेंशन में नहीं होते कि उनके पास काम नहीं है, बल्कि वो तो इस टेंशन में होते हैं कि समाज क्या सोचेगा कि उनके पास काम नहीं है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, देखो तुम्हारा होगा जलवा काफी, पर मैं भी कुछ कम नहीं। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे गरीब ही जन्म दिया। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार, मैं हूँ आप सबकी पसंदीदा गरीबी। अब आप लोगों ने तो मेरे बारे में सुना ही होगा ना, क्या ही बताऊँ मैं, कितने उपकार किए हैं इन इंसानों पर मैंने। इनको खाने के लिए ललचाया, किसी ने तो लार भी टपका दिया। कई लोग तो एक दूसरे से निपटते हैं, कई लोग एक धरती से ही निपट गए। अरे ये सब तो उन बेचारों से पूछो जो दिन भर जमीन में ही पड़े रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं। मैं व्यक्ति के सामाजिक जीवन को इतनी बुरी तरह प्रभावित करती हूँ, फिर बताओ ये देश विकसित कैसे होगा। मैं होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। वैसे डींगे हाक के क्या फायदा, अरे अब आप खुद ही देख लो। दोस्तों वर्तमान में 6.7% भारतीय आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। हालांकि हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की वास्तविक संख्या 40 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले व्यक्ति जिन्हें गरीब की श्रेणी में नहीं रखा गया है उनसे काफी ज्यादा है। भारत के अधिकांश घरों में तो उचित स्वच्छता की व्यवस्था भी नहीं है, जो हमारे जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों को जन्म देती है। यहाँ तक कि कई जगहों पर जल की भी विलासिता है, इन स्थानों पर पानी की आपूर्ति की समस्या बहुत आम है। भारत में 20% बच्चे अपने 5वें जन्मदिन को अस्वच्छ वातावरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली जानलेवा बीमारियों के कारण नहीं देख पाते हैं। गरीबी का कोई धर्म, जाति और नस्ल नहीं होता है। अरे आपने तो इमोशनल कर दिया। क्या मैं भी कुछ बोल सकती हूँ? अरे हाँ। अरे मेरी बात सुनो, अब मैं हूँ महिला सुरक्षा। माना कि नाम मेरा थोड़ा बड़ा है, लेकिन मेरी पहुंच उससे भी बड़ी है। यौन उत्पीड़न से लेकर बलात्कार तक, दहेज से लेकर घरेलू हिंसा तक, अपहरण से लेकर तस्करी तक, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस हमारी क्रोनोलॉजी समझिए। मेरा ही तो डर है जो इस देश की हर बहु बेटियों में 24 घंटे फैला रहता है। 5 साल की बच्ची हो या 50 साल की बुजुर्ग महिला, सब डरते हैं मेरे से। आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए या कोई न्यूज़ चैनल खोल लीजिए, सब पे बस मेरा ही नाम लगा रहता है।
मेरी बात तो सबसे निराली है। मैं अपने नाम के विपरीत काम करती हूँ। मेरा नाम जैसे कि महिला सुरक्षा है, लेकिन आज समाज में महिलाएं और लड़कियां ही सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। हमसे तंग आकर लोग बस यही कहते हैं, चिरागों को उछाला जा रहा है, चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पे रौब डाला जा रहा है, चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पे रौब डाला जा रहा है। हम ही बुनियाद हैं घर की, हम ही बुनियाद है घर की, और हम ही को निकाला जा रहा है। मैं एयरपोर्ट के लिए लेट हो रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, पर तुम्हें पता नहीं, योर फ्लाइट इज बोर्डिंग एट गेट नंबर 12, और सामान अच्छे से रख लेना, ठीक है? और सामान मैंने अच्छे से रख लिया है, और टिकट्स भी ले ली है, और कुछ? ठीक है, तो एयरपोर्ट पहुंच के कॉल करना, ठीक है? या ओके। इंडिया की फ्लाइट अभी तो लैंड हो जानी चाहिए थी, कहाँ रह गई ये लड़की? पिकअप पिकअप पिकअप। Person you are calling is not answering. Please try later. Hello Riya, कहाँ हो तुम यार? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। Hello? 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 Hello, आप कौन बोल रहे हैं? This is SCP Bikram Rathor, Crime Branch Police. Police? Sir, Riya कहाँ है sir? जी आप उनके कौन लगते हैं? Sir, मैं Riya का boyfriend sir, Ayush. She is not picking up my call sir. वो ठीक है ना sir? Ayush, sorry to inform you, but Riya is no more. देखिए, हमने रिया की बॉडी एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर दूर एक रिहायशी इलाके में बरामद की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए बॉडी को भेजा गया है, और रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बात की जाएगी, बट आई थिंक इट इज अ रेप केस। मतलब फेमिनिज्म का उथल पुथल करके रख दियो तुम तो। मुझे कैसे भूल सकते हो दोस्तों, मैं हूँ सांप्रदायिकता, असली बर्बादी तो मैं ही करता हूँ दोस्तों। भारत को विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है, लेकिन वो तो बस कहने के लिए है, हम उसको होने ही नहीं देते। मेरे कारण ही तो इस देश में लोग अपने विचारों में परस्पर मतभेद पैदा होने पर खून खराबा तक कर देते हैं। मैं भारत में भाईचारे की भावना को जन्म लेने ही नहीं देता। मैं तो लोगों की मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अंधा कर देता हूँ। मेरे बारे में यही लोग तो कहते हैं, देख तेरे इंसान की क्या हालत हो गई भगवान, देख तेरे इंसान की क्या हालत हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। चल चलता हूँ यार, तो फिर फोन में बैटरी खत्म हो रही है और लाइट का पता नहीं है, अभी चली जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ ठीक है, और दे अपने सरकार को वोट। ए क्या बोला तूने, हमारी कम्युनिटी से वो, ठीक है ना? क्या मैंने क्या बोला? देखना, जब हमारी सरकार आएगी ना तो दिन भर लाइट रहेगी, पूरे देश भर में लाइट जलेगी, ठीक है ना? सिर्फ लाइट ही जलाओगे या कुछ और भी? हाँ, जैसे तुम्हारी पार्टी ने तो अभी तक किसी को मारा ही नहीं ना अभी तक। एटलीस्ट हमारी पार्टी किसी मैथोलॉजिकल टाइम से इम्पोर्ट होके तो नहीं आई ना? हाँ, तुम लोगों के पार्टी की तरह तो नहीं है ना, फॉरेन से इंपोर्ट करते हो, लीडर है या ओरिगेनो? हाँ ठीक है, हमारा फॉरेन से आता है, पर तुम्हारा तो बस फॉरेन में ही रहता है। क्या गिरा हुआ पार्टी है रे तुम लोगों का? चलो गिरा हुआ पार्टी है चलो, पर एटलीस्ट इकोनॉमी को तो नहीं गिरा रहे ना? एटलीस्ट हमारी पार्टी में ऊपर पहुँचने के लिए बड़े बड़े लोगों की तो नहीं करनी पड़ती ना। हमारी पार्टी को पावर में आने दो, ठीक है ना? उसके बाद तुम सिक्युलर लोगों की देखना क्या होता है, देख लो। तुम लोगों का अच्छा है, हाँ डेवलपमेंट करेंगे, पर किसी को बताएंगे नहीं कि कैसे करेंगे। हाँ हाँ, मम्मी मम्मी मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मम्मी 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 मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है मम्मी। तुम लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम लोगों की वजह से ना हमारे राइट्स नहीं है, ठीक है? इतना ही राइट्स चाहिए था तो पार्टीशन के टाइम अपने देश क्यों नहीं चला गया? ए अब तो ज्यादा बोल रहा है, ठीक है? मैं बोलूंगा और जोर जोर से बोलूंगा, ठीक है? क्या डरता हूँ क्या तेरे से? आना चल चल आ, मिल मिल। हाँ चल आ, मिल 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 मेरे को। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है दोस्तों। क्या एक वीडियो कॉल, जी हाँ, क्या महज एक वीडियो कॉल बन सकता है इतना बड़ा दंगा का फसाद? आज के ब्रेकिंग न्यूज में देखिए कि कैसे एक वीडियो कॉल की वजह से दो समुदाय के बीच हुआ भीषण दंगा। बसेस और गाड़ियां जलाई गईं। सूत्रों से पता चल रहा है कि 10 से भी ज्यादा लोगों की हुई है मौत और 15 से भी ज्यादा घायल। तेल और पानी, उत्तर और दक्षिण, सरकार और डेवलपमेंट, क्या इन्हीं की तरह कभी मिल के रह नहीं पाएंगे ये दो समुदाय? बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहे। चलो इतना तो मानना पड़ेगा, हम सब ने मिलकर इस देश को क्या बिगाड़ा है। सब लोग अपनी अपनी पीठ पर थपथपा कर शुक्रिया कहो, क्योंकि इसमें हम सब का बराबरी का योगदान है। बस कर पगली रुलाएगी क्या?
अरे ये देखो, ये तो भारत माता है। अरे प्रणाम माता जी। आज ये माँ खुश नहीं बल्कि जख्मी और परेशान है, और इन परेशानियों का सबब ये बदलती हुई सोच और परिवेश है। जो चूड़िया इन मजबूत हाथों की खूबसूरती का प्रतीक थी, आज वो उसी हाथों को कमजोर करने वाली बेड़िया समझकर उसका शोषण कर रही। मैं अपने आप को बहुत बेबस और कमजोर महसूस करती हूँ। जब मैं अपने बच्चों को गरीबी के कारण इस ठंड से कांपते, भूख से कहराते और बेरोजगारी की वजह से गलत रास्ता अपनाते हुए देखती हूँ, तो बहुत दुख होता है। जब ये देखती हूँ कि जो अनेकता में एकता की मिसाल हुआ करता था, वही आज सांप्रदायिकता सट्टा, विशेष अधिकार और आर्थिक लाभ के लिए भय और घृणा के आधार पर भाषा, काम और व्यवहार की हिंसा का उपयोग करके राष्ट्र के संघर्ष का प्रतिनिधित्व कर रही है, और भ्रष्टाचार की मदद से सभी की सुरक्षा, न्याय और नैतिक मूल्यों को खतरे में डाल रही है। काश काश कि इन जख्मों का कोई मरहम होता, जिससे सब कुछ ठीक हो पाता और सभी यहाँ सुखी और समृद्ध हो पाते। काश कि इन बुराइयों की जंजीरों का कोई तोड़ हो पाता। काश। दोस्तों, हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार पर कारगर नियंत्रण के बिना देश की उन्नति नहीं हो सकती। इसके संदर्भ में हमारे देश को संक्षिप्त और कारगर कानूनों पर ध्यान देना होगा। जैसा कि रोमन हिस्टोरियन टैटिकस का कहना था, जितना भ्रष्ट राज्य होगा उतने अधिक कानून होंगे। हमें प्रशासनिक मामलों में भी पारदर्शिता अपनानी होगी और जनता को भी इसमें भागीदार बनाना होगा। आज हमारा देश भ्रष्टाचार के मसलों से भरा हुआ है। हमें इस स्थिति को बेहतर करने के लिए न्यायालयों में लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के साथ ही लाल फीता शाही को भी खत्म करना होगा। हमें लोगों के नैतिक बल को बढ़ाकर उनका चरित्र निर्माण करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ हम सभी को अपनी ईमानदार और उज्जवल छवि प्रस्तुत करनी होगी। हम सभी लोगों को एक ऐसे स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना होगा जिसमें ईमानदारों को सम्मानित किया जाए और भ्रष्टाचारियों को समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत किया जाए। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के बाद हमारा देश अपना खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त कर सकेगा। इस संदर्भ में प्रस्तुत कुछ पंक्तियां। चलो संग संग मिलकर यार, दूर करेंगे भ्रष्टाचार। थोड़ी मुश्किल तो आएंगी, कदमे ठोकरें भी खाएंगी। जब तक मंजिल ना पाएंगे, हम सब चलते जाएंगे, हम सब चलते जाएंगे। अब ना मानेंगे हम हार, दूर करें हम भ्रष्टाचार, दूर करें हम भ्रष्टाचार। दोस्तों, गरीबी किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं, अपितु एक राष्ट्र समस्या है। देश को गरीबी से निजात दिलाने के लिए हमें हमारे समाज के साथ साथ सरकार को भी नौकरी की जगह लोगों को उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करना होगा। जो लोग अनपढ़ हैं, उन्हें जीवन की बेहतरी के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सरकार को साधारण नियमों पर कर्ज वितरित करने के साथ साथ ब्याज माफी पर भी विचार करना होगा। गरीबी जैसे भयानक कुचक्र से बचने के लिए हमें कुशल युवा कार्यक्रम जैसे कई योजनाएं चलानी होंगी। गांव से पलायन रोकना होगा, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में ही बसती है। इस संदर्भ में सुमित्रा नंदन पंत जी की ये पंक्तियां सार्थक हैं। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल। मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। धन्यवाद। तो अब हम आते हैं बेरोजगारी के समाधान पे। जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, तो इसके लिए हम भारतीयों को स्वयं अपने ज्ञान और नए आविष्कारों के माध्यम से अपने आप को इतना सक्षम बनाना होगा जिससे कि दुनिया भर की कंपनीज को हमारी ताकत पता चल सके और वे भारत में निवेश करें।
आजकल के युवाओं को अपने ज्ञान के उपरांत नौकरी पर पूर्णता निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनको अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए कोई लघु उद्योग शुरू करना चाहिए, जिससे कि वे स्वयं के साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त करवा सकेंगे। हमें मशीनी उत्पादनों की तुलना में श्रम प्रदान तकनीक को तरजीह देना चाहिए, जिससे देश को रोजगार मिलेगा। देश को शांति और विकास की ओर ले जाने के लिए हम सभी को इन सारी चीजों को धरातल पर रखना होगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी को किसी भी परिस्थिति से थक हार कर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। इससे जुड़ी कुछ पंक्ति मैं कहना चाहूंगी। कब तक कोसते रहोगे तुम अपनी सरकार को, क्या भुला दोगे तुम दुनिया के तिरस्कार को? जन्म लेना मर जाना नियति है संसार की, क्या सोचा कभी क्या वजह थी तेरे अवतार की? बेरोजगारी के अंधेरे से निकलने को कुछ कर्म तो करो, कर रही इंतजार मंजिल तुम संघर्ष तो करो। तो अब हम आते हैं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के समाधान पर। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसी घृणित चीजों को हमारे समाज से हटाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हमें समाज में भेदभाव मिटाने पर बल देने के साथ साथ निरक्षरता को भी दूर करना होगा। इसके लिए हम सबको पुरुष प्रधान समाज की धारणा से बाहर आना पड़ेगा। महिलाओं को उनके विरुद्ध होने वाले अमानवीय व्यवहार के निपटारे के लिए बने कानूनों से भी जागरूक करना होगा। महिलाओं को कभी भी अपने आप को पुरुषों से कम नहीं समझना चाहिए, चाहे वो शारीरिक क्षमता की बात हो या फिर मानसिक क्षमता की। हमें सभी महिलाओं को आत्मरक्षा की तकनीक सिखानी होगी और उनका मनोबल ऊंचा करना होगा। दोस्तों, सांप्रदायिकता हमारे देश की उन्नति का सबसे बड़ा बाधक है। इसका खात्मा करने के लिए हमें आपसी मतभेदों से दूर रहना होगा। सांप्रदायिकता का अंधापन अज्ञान तथा अविवेक से फैलता है, इसीलिए शिक्षा का प्रसार ही इसका सर्वोत्तम उपाय है। सांप्रदायिकता की समस्या को सुलझाने के लिए धर्म के ठेकेदारों को अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए एक सशक्त माध्यम साहित्य और कला है। यदि कवि, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार अपनी लेखनी से इसके खिलाफ लड़े तो जन मन को बदला जा सकता है। प्रजातंत्र में यही सच्चा उपाय है। इस संदर्भ में उर्दू के प्रसिद्ध शायर इकबाल की ये पंक्तियाँ सार्थक हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी आप सबको आधुनिक भारत की वर्तमान चुनौतियों दर्शाने के लिए और उन चुनौतियों को समाधान कैसे कर सकते हैं ये बताने के लिए। ये समस्या तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक हम इन समाधानों को अपने वास्तविक जीवन में ना लागू करें। क्योंकि बेशक हमारे संविधान ने हमें ये मौलिक अधिकार दिया है, पर उसी संविधान ने हमें कुछ मौलिक कर्तव्य भी सौंपे हैं, जिन्हें हम पूरा करके ही सही अर्थ में एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभा सकते हैं और आज के इस गणतंत्र दिवस को सार्थक रूप से मना सकते हैं। जय हिंद।